आज मैं आपके सामने जिस मौजू के तहत चंद बातें पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मौजू है फिक्रे आखिरत, मगर कैसे। हम सब जानते हैं कि यह दुनिया आखिरत की खेती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर इसकी तरफ रहनुमाई फरमाई है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें, सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। एक मकाम पर अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई, यानी इंसान पहले माँ के पेट में मुर्दा है, फिर जिंदा होगा, फिर मरेगा, फिर कयामत के दिन जिंदा होगा। ये दो मौत दो जिंदगी। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये मौत जिंदगी का क्या मकसद है? अल्लाह ने फरमाया सिर्फ यही है कि हम देखना चाहते हैं कि जिन्हें हमने पहले मौत की शक्ल में बनाया, फिर उन्हें जिंदा किया, फिर उनको मारेंगे, फिर उनको एक हकीकत की जिंदगी में जिंदा करेंगे, तो क्या ये अच्छा अमल करते हैं या अच्छे अमल से महरूम हो जाते हैं? हम देखना चाहते हैं। इन दोनों आयतों का खुलासा क्या हुआ? पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हमें किसान बनाया, ये खेती है आखिरत की। यहाँ जो इंसान अच्छा अमल करेगा उसका अच्छा नतीजा देखेगा, और जो इंसान यहाँ अच्छा अमल या मेहनत करने से कोताही करेगा, महरूम हो जाएगा, वहाँ अच्छे नतीजे से महरूम हो जाएगा। पता ये चला कि हमें दुनिया में मेहनत करना है, आखिरत की फिक्र करना है, और उसके बाद तैयारी करना है। तैयारी से पहले फिक्र क्यों है? इसलिए कि जितनी हम फिक्र मजबूत करेंगे तैयारी उतनी मजबूत होगी। हम बेफिक्रे हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे। फिक्र मजबूत तो तैयारी मजबूत। आज सिर्फ फिक्र की बात होगी, यूं समझ लीजिए कि आज के मौजू में जहनी वर्जिश है, सिर्फ जहनी वर्जिश। पहले हमें अपने जहन को बिल्कुल पाक और साफ करना है और फिक्र को मजबूत करना है। आप देखिए ना, बाज बच्चे अगर SSLC एग्जाम लिख रहे हैं या डिग्री का कोई भी है वह इम्तिहान जब लिख रहे हैं तो वो तैयारी करते हैं, पहले तैयारी करते हैं, और तैयारी मजबूत उनकी उस वक्त होती है जबकि उनकी फिक्र मजबूत होती है। एक बच्चा है, इम्तिहान करीब आ रहा है, सो रहा है, हालांकि उसको मालूम है इम्तिहान मुझे लिखना है, लेकिन सो रहा है, क्यों तैयारी नहीं कर रहा है उस आने वाले इम्तिहान की? उसे फिक्र ही नहीं है। अगर फिक्र होती तो दरख्तों के नीचे, गार्डनों में, पार्कों में, मस्जिदों के कोनों में, घरों के छतों पर किताबें लेकर पढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस आने वाले इम्तिहान की उसको फिक्र है। तो आज सिर्फ फिक्र की बात होगी, तैयारी तो बहुत बड़ी है, सिर्फ फिक्र की बात। अब देखिए, अगर हम आखिरत की फिक्र में कामयाब होना चाहते हैं, अगर कामयाब होंगे तो तैयारी में कामयाब होंगे, और तैयारी में कामयाब होंगे तो नतीजे में भी कामयाब होंगे। अगर हम आखिरत की फिक्र में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया की फिक्र हमें छोड़ना पड़ेगा, दुनिया की फिक्र से हमें अपने आप को अलग करना होगा। भाई दुनिया तो है, जिंदगी है, जीना भी है, इसके लिए मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन फिक्र नहीं, हद से ज्यादा फिक्र नहीं, सिर्फ आखिरत की फिक्र। अब देखिए, एक मिसाल मैं आपके सामने दूं कि आज माहौल ऐसा हो चुका है, कोरोना की फिक्र ने और उसके डर और खौफ ने इंसान को अपने शिकंजे में इतना मजबूत जकड़ लिया है कि हर इंसान यही फिक्र में लाहक है, हर इंसान को यही फिक्र लगी हुई है, वैक्सीन कब आएगी, दवा कब आएगी, मैं कैसे बचूंगा, मैं कैसे जीऊंगा, मैं इस बीमारी से कैसे दूर रहूंगा। आ रही है, हैदराबाद में आई, कामाटीपुरा में आई, पड़ोस में भी आ गई, कहीं मेरे तक ना आ जाए, कितनी फिक्र लाहक होगी। इसके लिए हमने कारोबार को छोड़ दिया,
जॉब को छोड़ दिया, नौकरियों को छोड़ दिया, मजदूरियों को छोड़ दिया, घर में बैठे रहे। क्यों फिक्र, मैं कैसे बचूं? क्या ऐसी ही फिक्र हमें आखिरत की है कि अगर मैं गुनाहों से बचूं, गलतियों से बचूं, तैयारी करूं, अमल करूं आखिरत की बुराइयों से या आखिरत के अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई होलनाकियों से कैसे बचूं? फिक्र, जिस तरीके से इंसान फिक्र कर रहा है कि मैं इस बीमारी से बचूं और नुकसान से बचूं, इसी तरीके से आखिरत की भी फिक्र करना है। सो पता ये चला, दुनिया की फिक्र कम, आखिरत की फिक्र ज्यादा। लेकिन मामला यह है कि हम दुनिया की फिक्र ज्यादा करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए क्या फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्जी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। क्यों दुनिया की फिक्र कर रहे हो तुम? तुम जब पैदा हुए हो तो तुम्हारी रोजी रिजक की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। हर जानदार, चाहे वो इंसान हो या गैर इंसान, हैवान हो, अल्लाह तबारक व तआला के पास उसकी रोजी की जिम्मेदारी है। जब तक जानदार की एक भी रोजी की चीज उसकी जिंदगी के लिए बाकी रहती है, तब तक वो मरता नहीं है, इस दुनिया को छोड़ता नहीं है। तो हम दुनिया की फिक्र क्यों करें? अगर हम आखिरत की फिक्र करना चाहते हैं ना, तो पहले दुनिया की फिक्र को छोड़ देना चाहिए। अगर दुनिया की फिक्र लाहक है तो इंसान आखिरत की फिक्र नहीं कर सकता। सुबह से शाम तक आज मैं कितना कमाऊंगा, कितना खर्चा होगा, कितना बचेगा, फ्यूचर का क्या प्लान है, बच्चों को क्या बनाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर उनके बच्चों को क्या बनाऊंगा, यही अगर फिक्र इंसान को खाती रहेगी, आखिरत की फिक्र कब करेगा? जो हमेशा की जिंदगी है उसकी फिक्र कब करेगा? दुनिया की जिंदगी की फिक्र नहीं करना, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, हमें सिर्फ आखिरत की फिक्र करना है। और अगर आखिरत की फिक्र में कामयाब होना है, आखिरत की फिक्र हमें ज्यादा होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें एक बात को छोड़ देना है। क्या? मेरे पास सब कुछ है, हर चीज है मेरे पास, मैं इन तमाम चीजों से जो सब कुछ है कुछ भी कर सकता हूं, हर चीज मैं कर सकता हूं। इंसान के पास कुछ भी नहीं है, हाँ अगर वो आखिरत में कामयाब हो गया, उसे जन्नत मिल गई, दीदारे इलाही का वो मुस्तहिक हुआ, रजाए इलाही का वो मुस्तहिक हुआ, तब वो कह सकता है आज मेरे पास सब कुछ है। जबकि उसके लिए जो कुछ उसके लिए जरूरत थी और वो सोच रहा था उससे ज्यादा भी उसको मिलेगा, लेकिन दुनिया में नहीं बोल सकता मेरे पास सब कुछ है। क्यों? अगर वो बोल देगा या उसकी ऐसी सोच है कि मेरे पास सब कुछ है, तो फिर वो आखिरत की फिक्र से लापरवाह हो जाता है, आखिरत की फिक्र से वो बेजार हो जाता है, गाफिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, कुल मताउद दुनिया कलील। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे लोगों को बता दीजिए, बाद लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास सब कुछ है, उन्हें बता दीजिए कि ये दुनिया की जिंदगी और दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है जिसे तुम सब कुछ समझ रहे हो। अगर हमने ये समझ लिया कि दुनिया की जिंदगी, दुनिया का साजो सामान बहुत थोड़ा है, तब हम आखिरत की फिक्र करेंगे जो बहुत ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। तुमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी है, सब कुछ समझ लिया है तुमने दुनिया की जिंदगी, और ये सब कुछ समझना तुम्हें आखिरत की फिक्र से इतना लापरवाह कर दिया है कि तुम यही समझते हो सब कुछ है मेरे पास, जो चाहे मैं कर सकता हूं। कुछ भी नहीं कर सकते तुम, अगर यही सोच लेकर तुम चले गए वहां कुछ भी नहीं कर सकते और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें यह समझना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, जन्नत मिल गई, अल्लाह का दीदार हो गया, अल्लाह हमसे खुश हो गया, तब हम कह सकते हैं हमारे पास सब कुछ है, उससे ज्यादा। और इसी तरीके से अगर हम आखिरत की फिक्र सही अंदाज में करना चाहते हैं, दुनियादारी की थोड़ी सी कामयाबी पर मस्त मगन न रहे, इतरा कर न चले। बाद लोग ऐसे हैं, थोड़ा दुनियावी जिंदगी में कामयाब हो गए, यह सब के लिए है, यह ना सोचे कि भाई मालदारों के लिए हम तो नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान हर मोड़ पर, हर मैदान में थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कामयाब होता है। अगर कामयाब हो गया, कारोबार में कामयाब है, जॉब में कामयाब है, नौकरियों में कामयाब है, मजदूरी में कामयाब है, किसी फील्ड में वो अगर कामयाब है,
दुनियादारी की थोड़ी सी कामयाबी उसको नसीब हो गई तो उसी में मस्त मगन न रहे, इतरा करना चले, गुरूर ना करे, देखो थोड़ी सी मेहनत करूंगा कामयाब हो जाऊंगा, ये मेरी नसीब है। अगर इतना वो सोचने लग जाए ना तो फिर आखिरत की फिक्र से गाफिल हो जाए। मेहनत करना पड़ेगा उसको, सोचना पड़ेगा कि यहां भी मुझे मेहनत करना है और उसके लिए भी मेहनत करना पड़े, तब जाकर वो फिक्र आखिरत में गर्क हो जाएगा। कुरान मजीद में ऐसी ही दुनियादारी में थोड़े कामयाब रहने वाले एक इंसान का वाकया बयान किया गया। वैसे कुरान में बहुत से किस्से हैं, कहानियां हैं, क्यों? बाद में आने वालों के नसीहत के लिए। ये जो आदमी का वाकया है सूरह कहफ में, हर जुमा पढ़ते हैं उसमें, सूरह कहफ में एक आदमी का वाकया है, एक आदमी जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दो बागात अता किए थे, खूबसूरत बागात, फल फ्रूट वाले बागात, और उनके दरमियान नहर भी है। वो आदमी अपने एक साथी के साथ जब बाग में दाखिल होता है तो कहता है, देखो मैं कितना कामयाब हूं, कितना मैं कामयाब हूं, ये देखो मेरे बागात कितने खुश नसीब हैं और फल खुले हुए हैं। उसका साथी समझाता है, अरे इतनी नाशुकरी ना कर, आखिरत का इनकार कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर जो तुझे अल्लाह ने दिया है, उसकी इबादत कर, नाशुकरी ना कर। वो कहने लगा, कौन सी इबादत, कौन सी नाशुकरी, अरे मैं इसका मुस्तहिक था, मैंने मेहनत किया है इसके ऊपर, कामयाब हुआ हूं मैं, और किस कयामत की तुम बात कर रहे हो? अगर आ भी जाए कयामत तो वहां भी मुझे ऐसे ही मिलने वाला है जैसे कि यहां मिला है। वो कहने लगा, अल्लाह अकबर, देख तुझसे कम मैं माल और दौलत वाला हूं लेकिन शुक्रगुजारी में तुझसे ज्यादा हूं, कि नाशुकरी की बात न कर। वो कहने लगा, मैं कोई कयामत को नहीं मानता, अगर आ भी जाए तो मैं उम्मीद रखता हूं मेरी इस कामयाबी पर कि यहां जैसे मुझे मिला उससे ज्यादा वहां मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बाग को निस्तो नाबूद कर दिया। क्यों? मस्त मगन हो गया उसे, थोड़ी सी कामयाबी में आखिरत को भुला बैठा। आखिरत की तैयारी तो दूर की बात है, फिक्र से भी बेफिक्र हो गया। कामयाब हर इंसान होता है और यहां भी हम दुनिया में देख रहे हैं, जब इंसान कामयाब हो रहा था तो अल्लाह को छोड़ा हुआ था, मस्जिदों को छोड़ा हुआ था और दीनदारी को छोड़ा हुआ था, बस दुनिया में मस्त मगन था। अल्लाह ने कोरोना ला दिया, नाकामी का रास्ता उसको जब नजर आने लगा, फसिर्रो इलाल्लाह जो हमेशा के लिए है, कुछ वक्त के लिए अल्लाह की तरफ दौड़ने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, लापरवाह ना हो, थोड़ी सी कामयाबी दी है तुमको, हकीकी कामयाबी तो वहां की है, ये कामयाबी छीनी भी जा सकती है लेकिन वहां की कामयाबी कभी छीनी नहीं जाने वाली है। खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन का माना ही होता है खुल, हमेशा रहने की जगह। लेकिन आगे अल्लाह ने सूरह बयाना में अबदा के मतलब ताकीद के साथ बयान फरमाया कि हमेशा। यहां की कामयाबी आरजी कामयाबी, थोड़ी देर इंसान कामयाब हो भी सकता है, उसकी कामयाबी छीनी भी जा सकती है। लिहाजा थोड़ी सी कामयाबी पर हमें इतराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं जरा कामयाब क्यों हुए इतराना शुरू कर देते हैं, नहीं इतराना नहीं है, वरना इंसान आखिरत की फिक्र से लापरवाह हो जाता है। इसी तरीके से जहनी वर्जी चाहिए, अगर हम आखिरत की फिक्र में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम लंबी उम्र की फिक्र ना करें, या ये ना सोचे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, तैयारी करना है ना, आखिरत के लिए मेहनत करना है, बहुत दिन अभी मुझे जीना है, कर लेंगे अमल, कर लेंगे तौबा, कर लेंगे नेकी, कर लेंगे तैयारी। हर इंसान वही सोच रहा है। अगर सदका और खैरात की बात आए ना, अगले रमजान में करेंगे, जरा इस रमजान में थोड़ा मसला अलग है। और अगर कुर्बानी की बात आए, करेंगे, और थोड़ी बहुत इस्तेताअत है, जाने आने के खर्च की इस्तेताअत है, हज को जब करेंगे, अभी तो बाल भी सफेद नहीं हुए, गरचे वो सफेद बाल को काला लगाकर फिर ब्लैक कर रहा हो, लेकिन फिर भी करेंगे नहीं। ये लंबी उम्र की ख्वाहिश और आइंदा नेक अमल करने की तमन्ना, ये भी इंसान को आखिरत की फिक्र से लापरवाह कर देती है। आज हम इसी बीमारी में मुब्तला है, करेंगे करेंगे, अरे यही करेंगे करेंगे करने वालों को थोड़ा भी मौका नहीं मिला। सुबह में नेक अमल करने की तमन्ना लेकर रात में सोया हुआ इंसान सुबह में उठा नहीं है,
सफर करने वाला इंसान, घर को पहुंचने की तमन्ना रखा हुआ इंसान, सफर ही में अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, घर को नहीं पहुंचा। और आज हम क्या किए हुए हैं, मेरी उम्र ही क्या है, मुझ भी नहीं निकली, दाढ़ी भी नहीं निकली, शादी भी नहीं हुई है, हुई भी है तो बच्चे छोटे हैं, मैं अभी आधी उम्र का भी नहीं हुआ हूँ। अमल करेंगे, तौबा करेंगे, नेकी करेंगे, तैयारी करेंगे, ऐसे ही रह जाएंगे हम और अल्लाह अचानक हमको उठा लेगा। वो बड़ी कयामत तो आएगी, लेकिन उससे पहले हमारी कयामत मौत की शक्ल में अचानक आएगी, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे? मौके को गनीमत जानना है और फौरन फिक्र करना शुरू करना है और तैयारी में लग जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया करते थे, कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीब और आबिर सबील। अब्दुल्लाह इब्ने उमर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे अब्दुल्लाह इब्ने उमर, दुनिया में ऐसे रहो जैसा कि तुम अजनबी हो। किसी शहर में अजनबी गया, मुसाफिर है, अजनबी है, गया तो वहां से हर चीज से बच बचा कर रहता है और फौरन वहां से निकलने की तमन्ना करता है ताकि अपने शहर में आ जाए जहां का वो मुकीम है, या राह चलता मुसाफिर है, चल रहा है रास्ता और रास्ता चलते चलते क्या सोचेगा, एक कदम मेरा हो गया ये हिस्सा, दूसरा कदम मेरा हो गया, तीसरा कदम, भाई रास्ते पर चलने वाला, जैसा कि अब मैं किले से आया, गोलकुंडे से आया, जितना रास्ता मैंने सफर किया है, मैं सोच रहा था कि नहीं यही रहूंगा, यही रहूंगा, ये पूरा मेरा हो गया, गाड़ी का पहिया जितना चल रहा था वो मेरे नाम पर हो रहा है, नहीं मुझे यही फिक्र खाई जा रही थी कि मैं मस्जिद उमर इस्मत को कब पहुंचूंगा, मुझे जल्दी पहुंचना है, ये मेरा कुछ भी नहीं है, वहां मेरी मंजिल है, वहां मेरा काम। और आज हम क्या किए हुए हैं, नहीं लंबी उम्र की तमन्ना और यही है मेरा सब कुछ और यहां मुझे बहुत दिन रहना है, जब मौका मिलेगा करूंगा, नहीं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा नहीं, मुसाफिर की तरह रहो। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर इस हदीस को इतना समझे, पता नहीं हम कितना समझे, मुसाफिर भी तो दो दो तीन तीन महीने के लिए जाता होगा ना, साल साल के लिए भी जाता होगा, बिजनेस को एक आदमी निकलता है ना, छह छह महीने वापस नहीं आता, तो सोच रहे होंगे हम इस हदीस का मतलब छह महीने तो मौका है, लेकिन नहीं अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कैसा समझा, देखिए वो कहते थे जब इस हदीस को अल्लाह के रसूल से उन्होंने सुना, अपने साथियों से कहते थे, ऐ मेरे साथियों सुनो, इस हदीस का मतलब ये है, अगर रात अल्लाह ने तुमको दे दिए तो सुबह का इंतजार मत करो, अगर सुबह हो भी जाए तुम अपने आप को जिंदा पाओ तो शाम का इंतजार मत करो, अगर सेहत है अल्लाह ने तुमको दी है तो मरीज होने से पहले गनीमत जानो और फौरन तैयारी कर लो, और अगर थोड़ी सी अल्लाह ने जिंदगी है मौत आने से पहले उसकी तैयारी करो आखिरत की, तुम कब मरोगे, मौत कब आएगी, तुम्हें कोई पता नहीं है। यानी इस हदीस को उन्होंने ऐसा समझा, सुबह हो गई शाम का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, गनीमत जानो इतने से वक्त को, रात हो गई नहीं आराम से सोएंगे, सुबह देख लेंगे, नहीं अल्लाह देखने से महरूम कर देगा तो क्या करो, उठा ही लेगा तो अल्लाह। तो लंबी उम्र की तमन्ना और आगे मुस्तकबिल में फ्यूचर में वो वक्त हमारा फिक्स है करने का, ये सोच इंसान को आखिरत की फिक्र से गाफिल कर देती है। अगर हम ऐसा सोचेंगे ये थोड़ा सा वक्त मिला है, इस थोड़े से वक्त में हम अमल करेंगे, अगर ऐसी फिक्र आखिरत की होगी तो तैयारी बिल्कुल कामयाब है। एक और चीज आखिरत की फिक्र करने के लिए या आखिरत की फिक्र को कामयाब बनाने के लिए यह है कि इंसान गुनाहों से दूर रहे, गुनाहों से अपने दामन को बचाए। हो रहा यह कि हम नेकियां तो कर रहे हैं लेकिन गुनाह से नहीं बाज आ रहे, और सोच क्या है हमारी, सोच यह है नेकियां भी तो है ना, अगर हम थोड़ा सा अमल भी करेंगे आखिरत में हमको अच्छा उसका नतीजा मिलेगा, नेकियां है ना, भाई जहन्नम में जाएंगे तो क्या हुआ, तौहीद परस है ना, आखिर में निकाले जाएंगे, जन्नत में जाएंगे ना। गुनाहों से लापरवाह, गलतियों से लापरवाह, नाफरमानियों से, मासी से लापरवाह इंसान को फिक्रे आखिरत से लापरवाह बना देती है। गुनाहों से बचना चाहिए जितना हो सके, सहाबाए किराम कितना गुनाहों से बचते थे, क्या वो नेकियां नहीं करते थे, बचना चाहिए और कम से कम ये सोच कर तो बचे हम गुनाहों से। अच्छा अगर गुनाह हो भी जाए तो फौरन तौबा भी कर ले, ये नहीं कि पहले कमा लूं वो करूं ये करूं, जब घर बन जाएगा गाड़ी बन जाएगी दो नंबर धंधे से तौबा कर लूंगा, ऐसा नहीं, एक भी गुनाह हो जाए जाने अनजाने में फौरन तौबा की जाए, कम से कम इतना सोच कर तो करो। मैं एक बात मेरे अल्लाह के बारे में मैं जैसा समझ रहा हूं आप भी शायद वैसा समझते होंगे, कितना मोहब्बत करता है अल्लाह अपने बंदे से, कितना प्यार करता है,
ये सोचकर तो हम करें कितना प्यार करता है। देखिए रात में फरिश्ते अल्लाह अकबर, इसीलिए मेरा ईमान अल्लाह पर इतना मजबूत है कि रात में फरिश्ते इंसान के दिन भर के अमाल को ले जाते हैं, दिन भर के अमाल को ले जाते हैं। अल्लाह तेरा बंदा सो गया, अल्लाह को नहीं मालूम है भाई, अल्लाह भी जानता है मेरा बंदा दिन भर काम करके सो गया है, लेकिन कितने गुनाह किया है, कितनी नाफरमानियां की है, मुझे नाराज करने वाले अमाल कितने किया है, सब अल्लाह जानता है। फिर भी फरिश्ते लिस्ट उसके सामने ले जाते हैं, अल्लाह तेरा बंदा नेक अमल तो किया नहीं, बड़ा इतरा रहा था, थोड़ा बहुत किया है, लेकिन गुनाह की लिस्ट इसकी इतनी भारी है, देख अल्लाह। अल्लाह खामोश क्यों? क्योंकि हिसाब किताब का वक्त भी फिक्स है ना। फिर सुबह में अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है, आओ फरिश्तों, जिस बंदे के गुनाह की लिस्ट तुमने पेश की है ना मेरे सामने रात में, उसी बंदे के रिस्क की लिस्ट मेरे पास से ले जाओ और उसको दे दो। अल्लाह रात में गुनाह उसके पास पहुंचते हैं और सुबह में रोजी की लिस्ट वो उस बंदे के नसीब में पहुंचा देता है। इतना अच्छा अल्लाह, इतना अच्छा राजिक और मालिक और खालिक, पालनहार रब, पालने वाला, संभालने वाला, निगरानी करने वाला, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, कोई किसी ने देखा है आज तक? रात में गुनाह पहुंचते हैं, सुबह में वहीं से रोजी पहुंचती है। इतना तो सोच कर तबाह करो और गुनाहों से बाज आ जाओ, गलतियों से बाज आ जाओ, वरना गुनाहों से लापरवाही इंसान को फिक्रे आखिरत से लापरवाह कर देती है। बचना है हमको गुनाह से। मोहब्बत करने वाला अल्लाह, प्यार करने वाला अल्लाह है, ये सोचकर गुनाहों से बचे। और अगर कभी गुनाह हो भी जाए फौरन तौबा करने की कोशिश करें। जितना हम गुनाह से बचेंगे ना उतना फिक्रे आखिरत में हम कामयाब होंगे। तैयारी तो अलग बात है, पहले जहन तो बनाए ना। और पांचवी बात, छठी बात ये है कि हम कुरान की तिलावत भी करें फहम के साथ, समझ के साथ, तर्जुमे के साथ। यह भी फिक्र आखिरत के लिए मुआविन साबित होने वाला सबब है। कैसे? आप देखिए कुरान हम पढ़ेंगे, कुरान पढ़ते जाएंगे, उसको समझते जाएंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ते जाएंगे, उसमें जिंदगी की बातें हैं, गुज़िश्ता कौमों की बातें हैं, अज़ाबात के वाकयात हैं, आखिरत की कयामत की बातें हैं, होलनाकियों की बातें हैं, जन्नत जहन्नम की बातें, हिसाब किताब, सारी बातें कुरान में है ना। जब कुरान इंसान पढ़ेगा समझेगा, आखिरत की बातें आएंगी, कयामत की होलनाकियां, सूरत सवा लेने के बराबर है, करीब है, हिसाब किताब हो रहा है और इंसान पसीने में डूबा हुआ है, कुरान की तफसीर हदीस में आएगी। जब तर्जुमा पढ़ेगा तो तफसीर आएगी ना, हदीस को भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुरान की तिलावत फहम और फिरासत के साथ, समझदारी के साथ करना, ये भी फिक्र आखिरत के लिए मददगार साबित होता है। लेकिन करे ना कोई कुरान की तिलावत कैसे? एक मिसाल देकर बात को खत्म कर दूं, शायद टाइम बहुत हो गया। हमेशा मैं देखते रहता था लेकिन इस मरतबा नहीं देखा, 1:20 का वक्त दिया गया था, 7 मिनट ज्यादा, फिर भी एक बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, माफ कीजिए देखा नहीं मैं शायद, यही फिक्र आखिरत या। तो हजरत अबू बकर आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आपके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हैं, बूढ़े हो गए आप। लेकिन जब तिर्मिजी की हदीस हम पढ़ेंगे चेहरे पर जरा फिक्र के आसार, बुढ़ापे के आसार, ये झुरिया वगैरह थोड़ी बहुत होंगे, लेकिन शमाइल तिर्मिजी में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ 63 साल की उम्र में, आपके सर के बाल और दाढ़ी के बाल दोनों मिलाकर 20 बाल भी सफेद नहीं हुए थे, 20 बाल भी सफेद नहीं हुए, फिर भी बुढ़ापे के आसार फिक्र आंखों में वगैरह नजर आता है ना, सोकर उठे तो नजर आता है, सफर से वापस हुए तो भी नजर आता है, थकावट चेहरे पर नजर आती है, बाल चाहे काले हो उजले हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लम से हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल आप बूढ़े हो गए, बुढ़ापे के आसार आपके चेहरे से नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने क्या फरमाया, हाँ बूढ़ा हो गया हूं, बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हैं, ये बुढ़ापा दुनियावी फिक्र से नहीं बल्कि मुझे बुढ़ापा लाने वाले कुरान की सूरतें हैं। मैं बूढ़ा हो गया कुरान को पढ़ते पढ़ते, जब मैं कुरान की सूरह तकबीर को पढ़ता हूँ, अम्मा यतसालून सूरह नबा को पढ़ता हूँ, सूरह वाकिया को पढ़ता हूँ, सूरह हूद को पढ़ता हूँ, तो उसमें ऐसे ऐसे वाकियात, ऐसी ऐसी होनाकियां, कयामत के आसार और आखिरत की बातें और निशानियां सारी बयान की गई हैं। जब मैं ये आयतों को पढ़ता हूँ तो बिल्कुल बौखला जाता हूँ और फिक्र लाहक होती है। इन्हीं सूरतों को पढ़ पढ़ कर मैं बूढ़ा हो गया, यही वो सूरतें हैं जिन्होंने मुझे बूढ़ा बना दिया है।
अल्लाह के रसूल सल्लम के चेहरे पर बुढ़ापे के आसार किस वजह से आए? ज्यादा कुरान की तिलावत करने की, सूरतों को पढ़ने की वजह से। हम भी पढ़ेंगे, समझेंगे कुरान को, उसमें आखिरत की बातें होंगी, जन्नत जहन्नम की होलना, जन्नत की नेमतें जहन्नम की होलना किया आएंगे ना हमें फिकर कुरान की वजह से, इन सूरतों की वजह से, इन सूरतों के अंदर बयान करदा वाकियात की वजह से फिक्र आखिरत में हम मुब्तला हो जाएंगे, वरना कुरान से दूर होंगे फिक्र आखिरत से भी दूर होंगे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को फिक्र आखिरत के साथ साथ आखिरत की तैयारी के लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दुनिया की फिक्र तो लाख है, अल्लाह उससे ज्यादा हमें आखिरत की फिक्र में मशगूल होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बहुत परेशानियों में हम मुसलमान मुब्तला हैं, अल्लाह दुनिया एक बीमारी से जूझ रही है, हम कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, अल्लाह तमाम बीमारियों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर मजबूती से चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, खात्मा हो तो खात्मा भी खैर फरमा, मरते वक्त तेरा तौहीद का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान से जारी फरमा। आमीन।